तो हेलो, तो आप लोग का स्वागत है फिर से एक नया रेसिपी के साथ। जैसा कि देख सकते हैं, आज मैंने बनाया हुआ है फ्रेंच टोस्ट, बहुत ही बढ़िया सा बना हुआ है। और मैं आगे वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। और जो भी लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया हुआ है और उसमें मैंने 1 गिलास कम से कम मैंने मिल्क डाला हुआ है। और फिर उसके बाद से हमने डाला हुआ है कस्टर्ड पाउडर। मैंने इसे कस्टर्ड पाउडर को मैंने 2 चम्मच लिया हुआ है। और फिर उसके बाद से मैंने डाला हुआ है चीनी। चीनी मैंने करीब 4 चम्मच लिया हुआ है। और फिर उसके बाद से बिल्कुल हल्का सा आधा चम्मच मैंने नमक डाला हुआ है। उसके बाद से हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं, इस तरह से हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जब तक कि हमारा जो चीनी है बिल्कुल घुल न जाए एकदम से। और फिर उसके बाद से मैंने आधा चम्मच इलायची पाउडर डाला हुआ है फ्लेवर के लिए। और फिर हम इसे अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम कुछ इस तरीके से ऐसे प्लेट में हम निकाल लेंगे। अगर आप लोगों का अगर बाउल थोड़ा सा मतलब कि चौड़ा, या फिर कोई भी चौड़ा बर्तन है जिसमें ब्रेड आराम से जा सके, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है निकालने का। तो उसके बाद से हम ब्रेड को ऐसे डिप कर देंगे। और आप चाहे तो कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। और फिर उसके बाद से देखिए, मैंने ब्रेड को डिप करने के बाद मैंने ऐसे चीज़ को लगा दिया ऊपर से। अगर आप लोग के पास चीज़ स्लाइस है तो वो भी बहुत ही बढ़िया है। मेरे पास चीज़ स्लाइस नहीं था तो मैंने इसलिए ये वाला चीज़ यूज़ किया हुआ है। और फिर उसके बाद से मैंने दूसरा भी ब्रेड लिया हुआ है, उसको भी मैंने ऐसे डिप कर लिया हुआ है जैसे कि पूरा मतलब कि अच्छे तरीके से लग सके। और फिर उसके बाद से हम इसे ऊपर से ऐसे लगा देंगे। तो मैंने इसे लगा दिया हुआ है। अब फिर चलिए हम पैन के पास चलते हैं। तो फिर मैंने ऐसे पैन रख दिया हुआ है, उसमें मैंने आधा चम्मच ऐसे बटर लगाया हुआ है। और हम इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे ताकि हमारा जो बटर है वो जल भी ना सके, बिल्कुल इस तरीके से रह सके। फिर देखिए, हमारा जो बटर है बिल्कुल अब मेल्ट हो चुका है। और फिर उसके बाद से हम इसे रख देंगे पैन पे। पैन पे रखने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से हम इसे सेकेंगे इस तरीके से पलट पलट कर। और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, ऐसे नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में आप लोग इसे खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा ये रेसिपी है। और फिर देखिए, हम इसे ऐसे पलट पलट कर सेक लेंगे जब तक कि ये अच्छे तरीके से सेक ना हो जाए, तो गोल्डन ना हो जाए। तो फिर देखिए, हम इसे फिर से पलट लेंगे। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है। यह एगलेस है, इसमें अंडा वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। तो देखिए, इसकी खुशबू भी बहुत ही बढ़िया सी आ रही है। और फिर देखिए, हम इसे निकाल लेंगे। अब ये हमारा बिल्कुल पक चुका है, अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं प्लेट में। और फिर चलिए, हम बिना चीज़ वाला भी आप लोग को दिखा देते हैं। अगर चीज़ नहीं है तो बस एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, इसे ऐसे डिप करेंगे। डिप करने के बाद फिर से हम उसी पैन में हम बटर डालेंगे। बटर डालने के बाद हम इसे, जब तक कि बटर ये हमारा मेल्ट ना हो जाए, फिर उसके बाद से हम जो ब्रेड है स्लाइस जो लिए थे हम इसे डाल देंगे, रख देंगे। और फिर उसके बाद से हम इसे अच्छे तरीके से हम इसे पलट पलट कर सेक लेंगे। तो देखिए, जब तक ये हमारा गोल्डन ना हो जाए, फिर हम इसे हल्का हल्का सा ऐसे सेकेंगे। बिल्कुल हम मीडियम फ्लेम पर ही किए हैं ताकि जो जो भी इसका फ्लेवर है बिल्कुल अच्छे तरीके से आ सके और अच्छे तरीके से पक सके। तो जब तक कि गोल्डन कलर में ना आ जाए, तब तक हम इसे अच्छे तरीके से पलट पलट कर हम इसे सेकेंगे। तो देखिए, लगभग ये अब हमारा होने वाला है। और आप लोग इसे ज़रूर, अगर आप लोग के पास चीज़ नहीं है तो आप लोग सिर्फ ऐसे भी आप लोग इसे कर सकते हैं। और यह बहुत ही टेस्टी भी लगता है। और अचानक से अगर कोई मेहमान आ जाए तो भी आप इसे बनाकर आप दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा रेसिपी है। तो फिर देखिए, अब ये हमारा लगभग ये सेक चुका है, हम इसे फिर से पलट लेंगे। तो देखिए, अब ये हमारा अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुका है। तो लगभग अब ये हमारा होने वाला है। और फिर उसके बाद से देखिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन के साथ, ताकि कोई भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन पहले मिलेगी आप लोगों को। तो फिर देखिए, अब ये हमारा अच्छे तरीके से हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया हुआ है। और फिर उसके बाद से हम इसे सर्व करके दिखाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सा ये रेसिपी है और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा।
तो फिर चलिए हम इसे आप लोगों को हम इसे कट करके भी दिखाएंगे। तो देखिए मैंने इसे कट करके भी दिखाया हुआ है, बिल्कुल इस तरीके से, बहुत ही चीज़ी है और बहुत ही यमी और टेस्टी भी है। और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।